दोस्तों, पैरा कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हरियाणा के इस लड़के का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इसकी रीढ़ की हड्डी और गले की हड्डी के साथ साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना भी टूट गया। गले के नीचे उसका पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। 1997 में डॉक्टरों ने उसे 100% डिसेबल घोषित कर दिया। उसकी बॉडी का 90% हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, लेकिन जोश अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी हिम्मत ने उस 90% डिसेबल शख्स को व्हीलचेयर पर बैठने लायक बना दिया। उसने हाथों से कंट्रोल होने वाली कार चलानी सीखी। इस बंदे ने अपनी डिसेबिलिटी को चैलेंज करते हुए 18,632 फीट ऊंचे मरसेमिक ला दर्रे पर मिनिमम टाइम में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस शख्स को अपनी लाइफ का नया एम तब मिल गया जब उसे एक दिन 2 साल की रोती हुई लावारिस बच्ची मिली। इस बच्ची को गोद में लेते हुए उसने सोच लिया कि अब वो डिसेबल और ऑर्फन बच्चों की देखभाल करेगा। दोस्तों, इस ब्रेव मैन का नाम नवीन गुलिया है। नवीन अपने एनजीओ अपनी दुनिया अपने आशियाना के थ्रू 1200 बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में मदद करते हैं। इस स्टोरी ने आपको कितना इंस्पायर किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।